हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आप देख रहे हैं हैप्पी वाले बॉयज। सो आज की इस वीडियो में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मतलब मुझे ना मतलब बोर हो रहा था आजकल, क्योंकि अभी तो मैं बस गेम और टीवी देख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो हाँ, और मैंने आपको बोला था कि मैं डायरी लॉक करूँगा, पर मैं कल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था, इसलिए कल मैंने कुछ शूट नहीं किया। सो आज मैं शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ना मॉल जाने वाला हूँ और वहाँ से कुछ ड्राइंग पेंटिंग का कुछ सामान खरीदने वाला हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा, क्योंकि हम तो भाई मोबाइल लैपटॉप वही देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा मतलब मैं ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप यूज़ नहीं करता, टीवी ही देखता हूँ। तो अब मैं बोर हो रहा था टीवी देख देख के, तो मैंने सोचा ड्राइंग ही कर लेते। सो हाँ, तो मैं जाके लूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या लिया। अगर मुझे मिला जो मैं सोच के रखा है कि मुझे क्या लेना है, अगर मुझे वो मिल गया तो अच्छी बात है, वरना मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गाइस, अब मैं शॉप जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ और आहिल साथ मतलब मेरा पूरा फैमिली रेडी हो चुका है। सो अभी हम जाने वाले हैं। तो हाँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मॉम ने बोला कि तुम ये ले लो, तो मैंने बोला मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सही से यूज़ वो नहीं करना आता था। तो मैंने बोला मुझे स्केच पेन चाहिए क्योंकि मैं पहले स्केच बुक चाहिए क्योंकि मैंने पहले भी यूज़ किया था और इसके पेपर बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू नॉर्मल स्केच बुक के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े स्लाइम्स थे, तो साद ने बोला मुझे स्लाइम्स चाहिए, तो मॉम ने बोला ठीक है ले लो। और मैंने यहाँ पर थोड़े क्रेयॉन्स भी लिए, और हाँ यहाँ पर वाटर पेंट्स और स्केच पेंस थे और एक्रिलिक और ऑयल पेंट्स थे। तो हाँ, और साथ में बोला मुझे ये भी चाहिए, मुझे इसका नाम नहीं पता इसे क्या कहते हैं, आपको पता है तो आप बता सकते हैं। और यहाँ पर ना एक्रिलिक कलर्स भी थे, सो एक्रिलिक पेंट थे, तो मैंने वो ले लिया। और मैंने एक व्हाइट बोर्ड भी लिया, और साथ आपको बता रहा था कि ये फ़ैन में ना लाइट भी आता है और हवा भी आती है। सो मेरे हाथ में था तो मैं भी यूज़ कर रहा था उसे। तो साथ के पास आप देख सकते हैं एक ब्लैक वाला भी था पीछे, आप देख सकते हैं। तो आहिल ने मुझसे ले लिया। और यहाँ पर जो है ये था जिसमें आप ऐसे बुक की तरह यूज़ कर सकते हैं, अंदर बुक है और बाहर से लॉकर है। तो हाँ, अब बुक को इसके अंदर लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर ना मैं बता रहा था कि स्लेट्स हैं, तो स्लेट हाँ बोर्ड्स थे, तो कुछ स्टैंड वाले बोर्ड्स थे, स्टैंडिंग बोर्ड पता नहीं क्या, कुछ एक तो बहुत छोटा था, पता नहीं कैसे लिखते। और मैंने सोचा कि एक और एक बोर्ड ले लेते हैं, तो फिर याद आएगी मैंने ऑलरेडी एक ये ले लिया और वाइट बोर्ड ले लिया था। और ये जो है इसका नाम मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसे। और यहाँ पर ना एक और चीज़ थी कुछ अजीब, पता नहीं इस दुनिया में इन्होंने क्यों बनाए इसे। इसमें ना एक वाइट बोर्ड वाला स्केच पेन थी, और इसे पता नहीं आप क्या यूज़ करते। और यहाँ पर ना मैं आपको बता रहा था कि ये फ़ैन में लाइट भी आती है, तो आप इसे अंधेरे में भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये नया टाइप ऑफ फ़ैन है। और यहाँ पर ना क्ले था, तो हाँ मैं वो भी बता रहा था। और ये जो है ये भी अलग टाइप का स्लाइम तो था, पर अलग टाइप के बॉक्स में था। सो हाँ, ये जो है आप देख सकते हैं ये जो है ट्यूब में थी, तो इसके अंदर इन्होंने कुछ ये भी डाले थे, कुछ ऐसे प्लास्टिक के पौधे वौधे सब। तो हाँ, और मैंने ना ये बुक देखा मैं, और इसके पीछे था लॉल सरप्राइजेस। भैया बुक वाले क्या करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक पिग्गी बैंक की तरह था, पर इसमें पिगी नहीं माउस था, हाँ माउस। और मैंने थोड़े से स्केच पेन भी लिए। वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं हूँ।